नमस्कार दोस्तों, अपना YouTube चैनल श्रीकांत दास ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे अभी हमारा थोड़ा दो चार दिन वीडियो नहीं आया, तो आज फिर से हम दूसरा वीडियो लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे कटिंग सेट के बारे में। ठीक है दोस्तों, कटिंग सेट के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम लोग पीछे कुछ सर वीडियो देखे हैं, थोड़ा थोड़ा वीडियो, पाइप जल्दी करेंगे, पाइप मोड़ने का, रस्सी बनाने का, ऐसे बहुत वीडियो लेके आएंगे दोस्तों। और वीडियोस जो है ना, थोड़ा आप बढ़िया से पूरा देखिए वो दोस्तों, तभी तो आपको समझ में आएगा। आप लोग थोड़ा थोड़ा देखते हो, छोड़ देते हो, समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में बोले दास भाई गड़बड़ हो रहा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो अभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो हमारे चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम बने रहेंगे, बहुत वीडियो लेके आएंगे। ओके, तो आज हम बात करेंगे कटिंग सेट का। तो ये देखिए हमारे पास है कटिंग सेट। अभी ये कटिंग सेट में चालू कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, फिर हम चालू करके उसको कटिंग करके भी दिखाएंगे। ओके दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ में। आज हम कटिंग सेट चालू करना, कटिंग करना, कैसे प्लेट में होल मारा जाता है, कटिंग किया जाता है, उसको भी दिखाएंगे। ओके दोस्तों, तो हम हमारे पास देखिए, पहले इधर आइए दोस्तों। ये देखिए सिलेंडर ट्रॉली, सिलेंडर ट्रॉली में दो सिलेंडर फिट किया हुआ है। इसको बोलते हैं DA, इसको बोलते हैं DA, और इसको बोलते हैं O2। तो दोस्तों सीख रहा है तो बढ़िया से थोड़ा सीखिएगा और इसको याद रखिएगा। जब आप कारीगर बनेंगे आपको क्वेश्चन किया जाएगा कि DA का फुल फॉर्म क्या है, O2 का फुल फॉर्म क्या है। तो अभी हम आपको बता देते हैं, उसको याद रखिएगा। ये DA का फुल फॉर्म है डिजोल एसिटिलिन। ओके, डिजोल एसिटिलिन गैस, और ये है O2 मतलब ऑक्सीजन। ओके, तो अभी इसमें देखिए हमारा एक रेगुलेटर लगा हुआ है, उसमें भी एक रेगुलेटर लगा हुआ है, और ये जो टॉर्च होता है, टॉर्च में ये नोजल अलग अलग पकड़ कर लगाया जाता है, अलग अलग साइज होता है, वो हम बाद में सीखेंगे फिर कभी टफी में। आज हम खाली कटिंग सेट ऑन कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे, कटिंग कैसे करेंगे, बस उतना सीखेंगे। ओके दोस्तों, और कटिंग सेट यूज़ करने से पहले आप देख लीजिएगा ये फ्लैश बैग अरेस्टर जो होता है, ये वाला देखिए, इसमें यहाँ से खोल सकता है, इसको कोई कोई आदमी क्या करता है डायरेक्ट कर देता है, तो इसको लगाना ज़रूरी है। ये फ्लैश बैग अरेस्टर है, और ये भी फ्लैश बैग अरेस्टर है, इसमें भी एक है, इसमें ये एक है। तो इसका मतलब क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। इसका मतलब यह है कि जब कटिंग सेट चलता है, कटिंग सेट जब ऐसे चलाते हैं हम लोग, कटिंग सेट चलने का टाइम जब किधर भी जंग वंग लगा रहता है ना, तो बैग मारता है, फट फट करके बैग मारता है, बहुत रिवर्स, तो क्या होता है रिवर्स आग रिटर्न चला जाता है उसके अंदर से। तो रिटर्न ना जाए इसकी वजह से ये लगा हुआ है। एक्चुअली ये इसको देखा जाए तो ये नॉन रिटर्न वाल्व जैसा होता है, इसके अंदर फॉर्म होता है, वो हीट को वहीं के वहीं बंद कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो ये दोनों लगा रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, और यहाँ पर ये भी है, यहाँ से सिलेंडर से बाहर करता है, लेकिन ये सिलेंडर से अंदर लेगा नहीं। यहाँ पर भी लगा रहता है, यहाँ से ये सिलेंडर से बाहर करेगा, लेकिन यहाँ से रिटर्न नहीं आएगा। तो ये और ये और ये जो टॉर्च में जो दो लगा है और दो रेगुलेटर में दो, ये लगा रहना जो बहुत ज़रूरी है। ओके दोस्तों, और ये नोजल तो हम बदल बदल के आपको दिखा सकते हैं। तो और एक, जैसे मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा, नोजल में क्या होता है, नोजल जब चलाते हैं ना, नोजल जाम होता है। ये मेरे पास एक दूसरा नोजल खुला हुआ है, इसको हम दिखाते हैं। तो ये आप नोजल जब ज़्यादा फट 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 करता है, उसके साथ ये रखना चाहिए आपके साथ। ये देखिए हमारे पास बहुत प्रकार का पिन होता है, ये पिन होता है, आपको जो साइज का चाहिए वो साइज का, इसमें देखिए इसमें फाइल सा होता है, इसको डाल के क्लीन करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। तो वो क्लीन करेंगे तो वो बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है दोस्तों, नहीं तो क्या होगा ना,
वो जाम अगर रहेगा उसमें कार्बन अगर ज़्यादा रहेगा वो बहुत ज़्यादा फटफट फटफट करेगा। हाँ, तो जब अब समझ जाइएगा कि वो कुछ लफड़ा हो रहा है। अब चलिए इसको हम ऑन करके देखते हैं। ओके दोस्तों, तो ये देखिए इसमें 2 मीटर होता है, 2 मीटर लगा होता है। 1 मीटर होता है जो वो सिलेंडर की अंदर की प्रेशर बताता है, और एक रेगुलेटर होता है जो आपका आउटपुट प्रेशर रहता है वो आउटपुट प्रेशर बताता है। तो और ये जो हमारे पास जो है सिलेंडर की लगा होता है, ये यहाँ से ओपन करेंगे तो ही सिलेंडर से गैस यहाँ तक पहुँचेगा, फिर यहाँ से अगर हम इसको ओपन करेंगे फिर यहाँ से ये आउटपुट देगा। तो अभी इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा गौर से दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, खींच के देखेंगे तो लफड़ा हो जाएगा। आप थोड़ा वीडियो पूरा कंटिन्यूटी देखेगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए मैं इसको ओपन कर देता हूँ। अभी देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर देखिए एक में इसमें दिखा रहा है कि इसमें आपका सिलेंडर का इसके अंदर प्रेशर कितना है। अब हम इसको टाइट करेंगे तो ये इसमें भी दिखाएगा। ओके दोस्तों, जैसे अभी मुझे हल्का ही चाहिए क्योंकि मैं पतला ही प्लेट काट के दिखाऊंगा 10 mm का। तो ये मैंने प्रेशर ले लिया। ओके दोस्तों, अब हम डीए का भी प्रेशर ले लेंगे, सेम फंडा है। थोड़ा पानी निकाल रहा है क्योंकि पानी चला गया था, बारिश आया था वीडियो बनाने से पहले। ओके दोस्तों, तो अभी हमने इसमें, और इसमें एक बार और है, ये जो लीवर है ना, लीवर ये प्रेशर देता है तभी काटता है। अभी ये इसमें है ना, ये जो 2 छोटे छोटे लगा हुआ है, ये हमारा रेड वाला जो पाइप आया है इसमें भी रेड लगा है। ये आपका डीए है और ये ऑक्सीजन है। तो हम पहले डीए खोलेंगे, इसको स्पार्क लाइटर, ये देखिए हमारे पास है स्पार्क लाइटर बोलते हैं इसको। ये हम लोग जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं ना, वो गैस लाइटर होता है, उससे आग डायरेक्ट जलता है, इसमें डायरेक्ट नहीं जलता है। जैसे हम लोग घर के अंदर में जो खाना बनाने वाला चूल्हा जलाते हैं, वो चूल्हा में जो हम लोग स्पार्क करते हैं ना, वो उसी टाइप का है। ये देखिए इससे हल्का सा स्पार्क होता है और इसी से हम इसको जलाएंगे, चालू करेंगे और आपको दिखाएंगे। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अभी हम यहाँ पर एक प्लेट को काटने के लिए और इसमें होल मारने के लिए हम रखे हैं। ये मेरा काम का जुगाड़ है, मैं आपको काट के दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले मैं ये डीए ऑन करता हूँ हल्का सा, और ये स्पार्क लाइटर से स्पार्क कर देंगे। देखिए ऐसा आग जल जाएगा, फिर हम ऑक्सीजन खोलेंगे। ये देखिए दोस्तों, ऐसा होना मांगता है तभी वो बराबर परफेक्ट रहेगा। अगर ऐसा रहेगा ना, ऐसा रहेगा तो ये कटेगा नहीं, परफेक्ट होना मांगता है, ऐसा स्पीड होना मांगता है, आग का स्पीड होना मांगता है। तो थोड़ा सा इधर लेके आओ भाई, अभी इसको काटने से पहले हम चश्मा पहन लेंगे, नहीं तो इसमें से चिंगारी उड़ेगा, आँख डैमेज कर देगा। तो हम चश्मा को पहन लिए हैं, अभी इसको हम काटेगा। काटने का टाइम पहले यहाँ है ना, हल्का हीट होना मांगता है, यहाँ हीट होएगा, उसके बाद हम ये जो लीवर है ना, लीवर, ये लीवर हम प्रेशर देगा इसका। थोड़ा और आगे लेके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये लीवर है ना, लीवर को पकड़ने का, ये लीवर पकड़ने का, और ऐसा ये हल्का लाल हो गया, उसके बाद हम प्रेशर देगा। ये देखिए दोस्तों, ऐसा काटते हुए चला गया, ये हो गया आपको काटिंग। तो क्या किया हमने, हल्का गरम किया, उसके बाद हम प्रेशर दिया,
प्रेशर देंगे, ऐसा आगे बढ़ाते हुए लेके चला जाएंगे। तो अभी हमारा ये हो गया कटिंग, लेकिन जब हम इसमें होल मारेंगे तो होल मारने का टाइम उसका अलग तरीका होता है, तो वो आप थोड़ा देखिएगा गौर करके। प्रोसीजर आपको कटिंग सेट जलाने का वही तरीका है, लेकिन होल मारने का टाइम आपको अलग अंदाज से होल मारना पड़ेगा। पहले बढ़िया से लाल गरम करना पड़ेगा, उसके बाद प्रेशर मारना पड़ेगा, तब होल होगा। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा हम प्रेशर बढ़ा लेते हैं। आप लोग सोचेंगे कि कितना प्रेशर चाहिए तभी कटिंग होगा, तो देखिए दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहूँगा। अभी हम लोग है ना, हम लोग बहुत दिन से काम कर रहे हैं, हमको उसका पढ़ाई, उसका जो पढ़ाई फढ़ाई होता है वो उसका हमको ज़रूरत ही नहीं है। हम तो अपना इधर लीवर दबाएंगे, हाथ से देख लेंगे हमको कितना प्रेशर चाहिए, हम उसके हिसाब से काट देगा। लेकिन आप लोग अगर शुरू में जब सीखेंगे तो आप देखिए, जो ये नोजल आता है ना, नोजल ऐसा जो पैकेट आता है जो मैं आपको दिखाया है, ऐसा जब पैकेट आता है ना, उस पैकेट के अंदर में एक कागज़ के अंदर में लिखा रहता है, कागज़ जब मोड़ा का उस नोजल में कागज़ मोड़ा हुआ रहेगा तो उसमें वो लिखा रहेगा उस नोजल में इतना एमएम का प्लेट काटिंग करने के लिए इतने का ऑक्सीजन का प्रेशर चाहिए, इतने का डीए चाहिए। तो वो आपको देख के उसमें एडजस्ट करके अगर काटेंगे तो भी कटिंग हो जाएगा। लेकिन क्या है, उससे ज़्यादा हमारा अपना टैलेंट पे विश्वास रहता है। हम अपना हिसाब से प्रेशर लेंगे और अपना हिसाब से स्पीड में काटना है, स्लो में काटना है, कैसा काटना है वो अपना हिसाब से हम देख लेंगे। तो अभी चलेंगे हम उसमें, अभी एक होल मार के दिखाएंगे आपको प्लेट के अंदर में कैसे होल मारते हैं। तो ये फिर से स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा जंग रहेगा ना नीचे, तो ऐसा गला लेने का छुड़ाना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा ना, जब होल मारने जाएंगे तो बैक मारेगा नीचे। दोस्तों आप देखो यहाँ पर ऐसा पहले पकड़ने के गरम करने के था, और गरम करने के बाद में नोजल को ऐसा सीधा रख के प्रेशर नहीं मारने का, तो नोजल खराब हो जाएगा। आप नोजल को ऐसा गरम करके सीधा प्रेशर मारेगा ना, कटिंग करने के टाइम तो सीधा प्रेशर मारता है, किनार से लेके आता बोलते, और इसमें अगर सीधा प्रेशर मार देगा तो नोजल खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा हल्का नोजल को टेढ़ा करना पड़ेगा। ये देखिए ऐसा, ये देखिए दोस्तों, इधर थोड़ा सा दिखाओ भाई लोग को। ये देखिए हम लोग एक प्लेट को कटिंग किया और उसको होल मार दिया। तो अभी हमने आज सीखे हैं कैसे, क्या सीखे हैं, तो कटिंग सेट कैसे स्टार्ट करने का, ज़्यादा कुछ नहीं सीखे हैं, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। ये तो मैं आपको सिंपल सा दिखा दिया हूँ, लेकिन इसको जब यूज़ करेंगे ना, तो अगर बढ़िया से यूज नहीं करेगा तो बैग लेता है, रिवर्स लेता है, रिवर्स लेके बैग लेगा ना, अगर उस टाइम फटाक से बंद नहीं किया तो ये यहाँ से पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। हाँ ऐसा भी है, लेकिन उतना भी डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी भी है। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि आज हम लोग सीखे हैं कटिंग सेट में कैसा प्लेट कटिंग करने का, उसमें कैसे होल मारने का। ठीक है दोस्तों, और इसमें अगर आपको प्लेट फिनिशिंग कटिंग नहीं हो रहा है बराबर, जैसे मैं जला के दिखाया वैसा बराबर अगर जल भी नहीं रहा है, तो मैंने आपको दिखाया था कि ये जो पिन है हमारे पास है, वो पिन आपके पास रखना पड़ेगा, ये पिन सारे पिन रखना पड़ेगा, ये आता है बॉक्स, तो वो रखना पड़ेगा नोजल को क्लीन करने के लिए। ओके तो दोस्तों हमारा साथ में बने रहिए, जैसे आप लोगों का प्यार हमको मिल रहा है ऐसे प्यार देते रहिए, और हमारा चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
और आपका दोस्त लोग जो होगा वो लोग को भी शेयर कीजिए। ओके,